डबल फाटक स्थित लोक जन शक्ति पार्टी युवा मोर्चा के कार्यालय पर एक शोक सभा आयोजित की गई। शोक सभा में रामविलास पासवान के निधन पर शोक व्यक्त किया गया और उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की गई। इस दौरान युवा मोर्चा के कार्यालय पर युवा मोर्चे के कार्यकर्ताओं ने रामविलास पासवान को नमन करते हुए उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की और उनकी आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना की। लोक जन शक्ति पार्टी युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने कहा कि रामविलास पासवान पार्टी के नींव थे और अब वे चिराग पासवान के साथ मिलकर पार्टी को मजबूत करेंगे तथा उनके परिवार के साथ हर समय खड़े रहेंगे। इस दौरान शोक सभा में प्रदेश सचिव युवा मोर्चा तारा सिंह बिष्ट, प्रदेश महासचिव शैलेंद्र प्रताप सिंह, युवा मोर्चा जिला उपाध्यक्ष हिमांशु कुमार सैनी, जिला सचिव विपिन प्रजापति, शुभम अंश रस्तोगी, दुर्गेश देव के साथ अन्य पदाधिकारी भी मौजूद रहे। कल शाम को दिल्ली अस्पताल में हुआ था, जिसमें सभी एलजेपी परिवार शोकाकुल है और सभी कार्यकर्ता वहाँ दिल्ली पहुँचे हैं और जो लोग नहीं पहुँच पाए हैं उन्होंने अपने अपने कार्यालय पर भावनी श्रद्धांजलि रामदास पासवान जी को अर्पित की है। और इस समय मैं यही कहना चाहता हूँ कि सभी एलजेपी के कार्यकर्ता एकजुट रहें और इस दुख की घड़ी में एक दूसरे का साथ दें और आगे भी माननीय चिराग पासवान जी के साथ हम कदम से कदम मिला के चलेंगे। जो भी क्षति हुई है वो पूर्ण तो नहीं हो सकती, परंतु जैसा भी है आगे हम एक साथ मिलकर काम करेंगे और चिराग पासवान जी के हाथों को मजबूत करेंगे।